नमस्कार, तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रास रेजिडेंसी से। देख सकते हैं जिस प्रकार से एक मामला सामने आया था कि एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके ऊपर चाकू लगे हैं। जी हाँ, यहाँ पर लिविंग में दोनों रह रहे थे। लड़का हालांकि शादीशुदा बताया जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं दोनों डॉक्टर थे और अंबाला से एक खबर आ रही थी जिसमें एक खबर में साफ कहा कि लड़की को चाकू मारे गए हैं। जो लड़का है वो करनाल का रहने वाला है। जी हाँ, काफ़ी जो वो खबर है वो वायरल हो रही थी, जिसके चलते वो देख सकते हैं अब लड़के की डेड बॉडी जो यहाँ पर रास रेजिडेंसी है इसके एक कमरे से मिली है। जी हाँ, यहाँ पर फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और लोगों से भी जानने का प्रयास जरूर करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। पुलिस की तमाम टीमें यहाँ पर देख सकते हैं जांच करती हुई नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं इसी टावर के थर्ड फ्लोर पर जो बताया जा रहा है उस जो व्यक्ति का शव जो है वो लटका हुआ मिला है। लगभग ऐसा बताया जा रहा है काफ़ी दिनों पुराना जो है वो दिखाई दे रहा है। लगभग 2 या 3 दिन पुराना जो है वो शव दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें यहाँ पर जाँच करती हुई नज़र आ रही हैं। लगते थाना के SHO मौके पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर जाँच जो है वो फिलहाल जारी है। जी हाँ, आपको बता दूँ आज खबरों में जो है चला था कि एक लड़की ने बयान दिया कि मेरे को चाकू मारे हैं। जी हाँ, चाकू मारने की प्रयास किया। हालांकि दोनों करनाल के एक निजी अस्पताल में काम करते थे। जी हाँ, एक निजी अस्पताल में काम करते थे। उसके बाद लड़की का जो है आज जो है पता लगता है जब करनाल यहाँ पर देखा जाता है जिस घर में वह रेंट पर रह रहा था। हालांकि शादीशुदा था, जो उसकी पत्नी थी वो फिलहाल मधुबन रहती थी ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद आपको मैं बता दूँ वो लिविंग में रह रहा था किसी और लड़की के साथ, जो लड़की अंबाला थी। अंबाला उसने आरोप लगाए थे कि मेरे को यहाँ आकर चाकू मार कर गया। उसके बाद जो है आज जहाँ पर यह रेंट पर रह रहा था जो रास रेजिडेंसी है इसी टावर पर, उसके बाद आपको मैं बता दूँ यहीं पर जो है उसका शव लटका हुआ मिला है। उसके बाद पुलिस की टीमें यहाँ पर मौके पर पहुँच जाती हैं। सकते हैं जो डॉक्टर ने यहाँ पर जिसका शव मिला है उसके बाद उनके भाई यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। फिलहाल आप देख सकते हैं हम यहाँ पर रास रेजिडेंसी में पहुंचे और खबर ये चली थी कि लड़की ने बताया कि मेरे ऊपर यहाँ से अमन चाकू मारकर यहाँ से चला गया। उसके बाद यहाँ से जब परिवार वाले उनको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं मिलता, उनका फ़ोन नहीं उठाया जाता। उसके बाद यहाँ पर फ्लैट में आकर देखा तो यहाँ पर शव यहाँ पर लटका हुआ मिला। उसके बाद यहाँ पर परिवार जो भाई हैं वो पहुंचे, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। अपील आप सभी से रहेगी इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैंने उसको फ़ोन किया तो फ़ोन उसने उठाया नहीं, तो मैं ढूंढता यहाँ आया तो फिर दरवाज़ा बंद था। तो मैनेजर के पास गया, उन्होंने लड़का भेजा, उसकी मदद से दरवाज़ा खोला तो आगे देखा उसका शव लटका हुआ था। उसके हाँ जी भाई है तो क्या यहीं रहता था वो? हाँ जी। क्या रिलेशनशिप में बताया जा रहे थे? हाँ जी हाँ जी। किसके साथ रहते थे? डॉक्टर अमृता के साथ। तो कब से अलग हुए थे ये? ये 5 महीने से अपना यही रह रहे थे डॉक्टर अमृता। भाई आपका जो है वो शादीशुदा था जी? हाँ जी हाँ। तो पहले एक साथ काम करते थे? हाँ जी हाँ जी। तो परसों अम्बाला में बताया उसकी माँ ने जो आरोप लगाया कि डॉक्टर अमन जो है उनके घर गए, लड़की पर चाकू से हमला बोला। वो न्यूज़ मुझे सुबह पता लगी किसी के थ्रू कि उन्होंने बोला कि आपने कुछ देखा? मैंने देखा नहीं, मैंने कहा देखता हूँ। तो मुझे पता लगा ऐसे करके बात है। फिर मैं हम ढूंढने की कोशिश करी कि वो कहाँ पे है कहाँ पे, तो मैं ढूंढते यहाँ पे आया। तो उस तरह से मैंने मैनेजर से जैसे भी बताया। यहाँ कौन कौन रहता था? यहाँ पे अभी तो भाई रहते थे और साथ में शायद वो रहती थी। तो आप लोगों को क्या शक है, ये आत्महत्या है या हत्या है? उसकी शरीर पे जिस हिसाब से निशान है तो हत्या तो लगती नहीं, उसकी हत्या की गई है हमें लग रहा है। किसने करवाई होगी? इसमें डॉक्टर अमृता का हाथ हो सकता है। जो अटैक हुआ उसके बारे में पता किसने किया? वो उसका हमें नहीं पता सर। तो उनके भाई हैं। हम देख सकते हैं किस प्रकार से अमन के भाई यहाँ पर बताते हुए नज़र आ रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने बताया कि मेरे भाई के जो शरीर पर हैं निशान है वो ऐसे आत्महत्या नहीं लगती, वो हत्या का मामला लगता है। फिलहाल अब पुलिस ने जो बयान है वो दर्ज कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर पुलिस जांच करती हुई नज़र आ रही है। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे। करनाल के रेजिडेंसी में देख सकते हैं जिस प्रकार से वह रह रहे थे, तो वो परसों जब खबर चलती है उसके बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो उनका फ़ोन कहीं ना कहीं नहीं मिलता। जी हाँ, फ़ोन नहीं मिलता। उसके बाद भाई ढूंढता यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर आकर देखते हैं उसका जो शव है लटका हुआ मिलता है। अपील आप सभी से इस खबर को देखने वाला, इस खबर को शेयर जरूर करें। भाई क्या करते हैं आपके भाई? अपना लैब में ही। लैब में LT है? हाँ जी LT है। हाँ जी। तो किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप पे बता रहे रहते हैं? डॉक्टर अमृता डाइटिशियन थी, अर्पणा में उसके साथ।
अर्पणा हॉस्पिटल करनाल में, तो अब वो कहाँ प्रैक्टिस कर रही थी? वो अर्पणा से उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ थे, चले गए। भाई कहाँ काम कर रहे थे? भाई अपना मधुबन है, फिर से हिट बिल है वहाँ पे, भाई वहीं पे थे काम करते। तो बॉडी मिली ऊपर से? हाँ जी। क्यों, क्या लग रहा है, बॉडी आत्महत्या है या कुछ और? उसके शरीर तो चोट के निशान है। चोट के निशान है। तो ये जो बात आ रही थी कि डॉक्टर अमृता के ऊपर जो आपके, पता लगा सुबह की, जैसे मैंने न्यूज़ सुनी जी तभी मैंने कॉल करी, उसने फोन नहीं उठाया, तभी मैं यहाँ पर आया तो ये सब देखा। तो वैसे बात लास्ट कब हुई थी भाई के साथ? मेरी बात अपना उनकी परसों ही हुई थी। परसों हुई थी, तो यानी परसों तक ठीक थे? हाँ जी। तो परसों बात हुई थी आपकी? हाँ जी। तो पत्नी इनकी कहाँ रहती थी? वहीं रहती है जी, अपना मधुबनी, मधुबनी रहते हैं। तो यहाँ पे फ्लैट ये इनका अपना है, रेंट पे? रेंट पे, रेंट पे है। तो यहाँ किसके साथ रहते हो? ये अमृता के साथ ही रहते थे। तो जैसे मुझे पता लगा सुबह अमृता का केस का केस ऐसा करके बात हुई, तो मैं यहाँ पे, जानकारी में था भी, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है? हाँ जी, लग परिवार तो अभी रह रहे थे, तो इतना अपने कराने ध्यान नहीं दिया। जुड़वा भाई हैं? हाँ जी, जुड़वा। तो पत्नी के पास नहीं जाते थे अपने, जहाँ पर मधुबन पत्नी रहते? हाँ जाते थे कभी, और दादा दादा तो यहीं रहते थे। नाम क्या आपके? क्योंकि नाम रमन है। आप क्या काम करते हैं? मैं भाई के साथ हेल्प, साथ ही काम करते थे। तो आपको जो कोई जानकारी नहीं थी भाई के काम? नहीं नहीं। तो यहाँ पर तो जो भाई है वो ये बता रहे हैं कि डॉक्टर अमृता के साथ वो अब किया है जी, बता दिया उनको। हाँ जी।